कल परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया है। मेरे दो ही रास्ते बचे हैं हमारे पास, जहां हम दोबारा लॉकडाउन कर दें, सब कुछ बंद कर दें, कर्फ्यू लगा दें जैसा पहले लगाया गया था। कि मैं चाहता हूं कि जिंदगी और कोरोना के साथ लड़ाई दोनों साथ साथ चलें। इसके लिए अभी मैंने सारी जगह पर वायरलेस मैसेज किया है, कल परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया है। मेरे ऊपर परीक्षण करो जो भी करने हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इसकी दवाई आ सके, और हो सकता है अगले साल के जनवरी तक इसकी दवाई आ भी जाए, ऐसी संभावना है। अगर सारे टेस्ट ठीक रहे तो अगले साल जनवरी तक आ जाएगी, लेकिन जनवरी तक तुम्हें मास्क डाल के रखने पड़ेंगे। दो ही रास्ते बचे हैं हमारे पास, जहां हम दोबारा लॉकडाउन कर दें, सब कुछ बंद कर दें, कर्फ्यू लगा दें जैसा पहले लगाया गया था, और दूसरा तरीका यह है कि हम मास्क डालें। मैंने दूसरे तरीके को मैंने स्वीकार किया है, कि मैं चाहता हूं कि जिंदगी और कोरोना के साथ लड़ाई दोनों साथ साथ चलें। इसके लिए अभी मैंने सारी जगह पर वायरलेस मैसेज किया है, सारे डीसी को, सारे एसपीस को, सारे पुलिस कमिश्नर्स को मैंने वायरलेस मैसेज किया है, कि मास्क डालने के नियम का सख्ती से पालन करवाएं। भाई और बहनों, मेरे पास एक ही रास्ता है, जहां मैं लॉकडाउन करूं, जहां मैं सारी गाड़ियां, बसें, सड़कें, सब बाजार, फैक्ट्रियां सब रोक दूं। उससे बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, लोग काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि मैं सख्ती करूं, और मैं सारे हरियाणा को कहना चाहता हूं कि मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार करा है। मैं सख्ती करूंगा, बहुत सख्ती करूंगा, ताकि कोई भी आदमी बिना मास्क के नजर ना आए। आप भी एक दूसरे को मनाइए। और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि बाजार के महंगे मास्क डालो, आप घर में किसी कपड़े से बना दो। हर घर में सिलाई की मशीन है, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में सिलाई की मशीन से आप मास्क बनाइए, लेकिन मास्क डालिए। ये जानलेवा बीमारी है, इससे बचने के उपाय करना जरूरी है। बहुत तेजी से ये अपने पांव पसार रही है, इसके हाथ पैर तोड़ने के लिए मास्क डालना जरूरी है। मास्क डालिए।